हेलो फ्रेंड्स, नमस्ते। मैं हूं अरुण और आप देख रहे हैं आपका अपना यूट्यूब चैनल सहीटेक यूट्यूब चैनल। तो फ्रेंड्स, हर बार कुछ ना कुछ नया वीडियो आपके सामने लेके हाजिर होता हो। तो फ्रेंड्स, आज हम फोटोशॉप यानी एडोब फोटोशॉप का CS6 का एक सीरीज लेके आपके पास हाजिर है, क्योंकि बहुत सारे ऐसे दोस्तों को प्रॉब्लम आता है जो यूट्यूबर है, खास करके उन लोगों को ज़्यादा प्रॉब्लम आता है कि ये लोग ठीक से थंबनेल या लोगो क्रिएट कर नहीं पाते। दूसरा बात है कि बहुत सारे ऐसे प्रोफेशनल लोग हैं जो वेबसाइट डिजाइन करते हैं, वीडियो एनिमेशन जो होता है, लोगो वोगो मेकिंग करते हैं, उन लोगों को काफ़ी प्रॉब्लम आता है। तो मैंने सोचा चलो एक वीडियो बना दिया जाए आप लोगों के लिए। तो मैं ये पूरा का पूरा जो वीडियो है आपके सामने लेके आएंगे और स्टेप बाय स्टेप आपको समझाएंगे। तो फर्स्ट क्या है, फर्स्ट आज इस वीडियो में हम लोग इंट्रोड्यूस देंगे कि एडोब फोटोशॉप जो CS6 है उसका इंट्रोड्यूस। देखिए, इस तरह इंटरफेस मिलेगा, ठीक है। डिस्क्रिप्शन में आपका लिंक मिल जाएगा, आप डायरेक्टली डाउनलोड कर सकते हैं, ठीक है। ये एडोब फोटोशॉप 7 का दूसरा वर्जन है, थोड़ा सा इससे बेटर है, मतलब एडोब फोटोशॉप 7 से थोड़ा सा बेटर है। जो भी हो, आपको आज देखेंगे। देखिए, ऊपर जो है ये आपका पूरा का पूरा एक मेनू बार है। फर्स्ट है फाइल, उसके बाद एडिट, उसके बाद इमेज लेआउट, टाइप सिलेक्ट और फिल्टर। बहुत सारे ऐसे ऑप्शन है जो आपको एक लोगो मेकिंग करते समय इसको इस्तेमाल करके आप लोगो मेकिंग कर सकते हैं। साथ में सबसे जो खास टूल्स है जिसका मदद से आप अपना लोगो क्रिएट कर सकते हैं, वो इस टूलों का मदद से आप लोगो क्रिएट कर सकते हैं। तो फ्रेंड्स, हर वीडियो में एक एक करके आपको बढ़िया से हर लोगों का, मतलब हर टूलों का जो इस्तेमाल होता है वो आपको समझाएंगे और दिखाएंगे, ठीक है। फर्स्ट आपको यहाँ पर देखिए, कुछ भी लोगो आप क्रिएट करेंगे तो यहाँ पे शो होगा, ठीक है। यहाँ पे आपको शो होगा, ऊपर से आप जैसे ही कोई ना कोई पेज ओपन करेंगे, पकड़ लीजिए मैं नया पेज ओपन कर रहा हूँ। देखिए, ये दोनों पेज मतलब एक ही चीज़ दोनों यहाँ पे शो कर रहा है। अब इसको हटाना भी चाह सकते हैं, घटा भी सकते हैं, ठीक है। जो भी हो, आप इसको घटा दें, ठीक है। आप इसको डिलीट भी कर सकते हैं बढ़िया से, कोई प्रॉब्लम नहीं होगा, ठीक है। बस जितना आप पेज ओपन करेंगे यहाँ पर आपका शो होगा, ठीक है। फर्स्ट ऑप्शन क्या आता है आपका, फाइल। फाइल में आप जानते हैं न्यू क्या होता है। तो फ्रेंड्स, मैं इसको डिलीट कर रहा हूँ, ठीक है। न्यू क्या होता है आपको पता है, आप कोई भी पेज ओपन करते हैं तो ये इसी को पोर्ट पेज आप बनाते हैं, क्योंकि यहाँ पे जो साइज आप टाइप करेंगे आगे जाके उस साइज के ऊपर ही आपका पेज बनेगा, ठीक है। अब बात कर लेते हैं न्यू का ऑप्शन का बारे में। देखिए, फर्स्ट है नेम, आप कुछ भी नेम दे सकते हैं आपका पेज का, लोगों का, जैसे मैं दे दिया, कुछ भी दे दिया, ठीक है। आप देखिए यहाँ पे ओके कर देंगे, हो जाएगा। उसके बाद है कस्टम। कस्टम में देखिए आपको बहुत सारा ऑप्शन मिल जाएगा आपका पेज कस्टम करने का। फर्स्ट है आपका क्या, क्लिपबोर्ड। उसके बाद है डिफॉल्ट फोटो साइज। आप क्लिपबोर्ड में जैसे आप क्लिक करते हैं, देखिए यहाँ पर यह क्लिपबोर्ड का ऑप्शन है, ठीक है। उसके बाद है डिफॉल्ट फोटोशॉप साइज। डिफॉल्ट फोटोशॉप साइज, ये डिफॉल्ट फोटोशॉप का साइज़ देखिए, वाइट हाइट 75 एंड रिजोल्यूशन आपका 72 है, ठीक है। ये इंचज में है, ठीक है। आप इसको जैसे ओके करेंगे, देखिए ये इस तरह का शो होगा, ठीक है। फिलहाल फिर से आप न्यू में जाएँ और पूरा का डिटेल आप समझ लें। उसके बाद आता है आपका US पेज। US पेज सेम पेज है, एक ही US टाइप का एक पेज है, ठीक है। ऊपर से होता है आपका इंटरनेशनल पेपर। अब इंटरनेशनल पेपर क्या होता है, इंटरनेशनल पेपर ये होता है जो आप अपना रिटेल दुकान में, अपना घर के अगल बगल में जो दुकान में आप पेपर बेचते हुए देखते हैं, जैसे A4, A5, A6, A7, इसी को मतलब उसी को बोला जाता है इंटरनेशनल पेपर, ठीक है। इसका वैरियस टाइप का साइज होता है, जैसे ये साइज आप जैसे इसमें क्लिक करेंगे, देखिए इंटरनेशनल का जो पेज है साइज यही होता है, A4, A6, A5, A3 ऐसा, ठीक है। आप A4 का देखिए, A4 का मिलीमीटर कितना होता है, 210, वाइट हाइट होता है 297 एंड रिजोल्यूशन होता है 300, ठीक है। आप जैसे इसको क्लिक करेंगे, देखिए आपका इस तरह का A4 साइज ओपन हो जाएगा, ठीक है। उसके बाद आप फिर से आप जाएंगे कस्टम में इंटरनेशनल पेज के बाद, आपको क्या आता है OF। OF का मतलब क्या होता है फ्रेंड्स, OF का मतलब होता है कोई अगर वेबसाइट के ऊपर काम करता है, ठीक है, वेबसाइट के ऊपर काम करता है तो उसको दरकार लगता है वेबसाइट लोगो वोगो मेकिंग करने के लिए जो साइज दरकार होता है उसको बोला जाता है OF, ठीक है। उसका साइज भी ये देखिए 800 बाई 600, ठीक है।
इस तरह होता है, डिफरेंट टाइप का साइज होता है, जैसा दरकार होगा वैसे ही साइज आप वो सिलेक्ट करके अपना कर। तीसरा ऑप्शन आता है आपका, उसके बाद जो ऑप्शन आता है आपका मोबाइल एंड डिवाइस। ठीक है, मोबाइल और डिवाइस में क्या होता है फ्रेंड्स, मोबाइल एंड डिवाइस जो आपको पता ही है, मोबाइल में मोबाइल के ऊपर जो कोई लोगो वोगो क्रिएट करता है उसको बोलते हैं मोबाइल एंड डिवाइस। ठीक है, उसका भी साइज डिफरेंट करता होता है, देखिए 240 एंड 320 हर टाइप का साइज आता है, आप कौन सा साइज इस्तेमाल करेगा वो उसके ऊपर डिपेंड करेगा। ठीक है, उसके बाद आता है आपका फिल्म एंड वीडियो। आप जानते होंगे फिल्म एंड वीडियो जैसे इंटू लोगो जो आप देखते सामने, वो सब लोगो मेकिंग करते समय मतलब ऑप्शन का यूज़ किया जाता है। ठीक है, उसका भी डिफरेंट टाइप का देखिए होता है, ये देखिए आपका NTSC1 ST1D FLDB मतलब बहुत सारा HDDB MHDD HDTV बहुत सारे ऐसे ऑप्शन है जिसको इस्तेमाल करके आप बढ़िया से अगर फिल्म एंड वीडियो के ऊपर जो लोगो होता है उसको आप क्रिएट कर सकते हैं। ठीक है, उसका बाद आता है आपका, इसका बाद आता है साइज, आपको पता ही है साइज एंड कलर मोड। आप कलर मोड क्या देना चाहते हैं, देखिए सबसे बड़ा जो जेनुइन यूज़ होता है वो है RGB रेड ग्रीन ब्लू। ठीक है, ये RGB कलर होता है जो फोटोशॉप का। उसके बाद आपका और भी कलर है, देखिए CMYK इसका मतलब होता है साइन मेजेंटा येलो एंड ब्लैक। ठीक है, आप RGB को देना दें। ठीक है, उसका बाद आता है बीट। ठीक है, आप 16 बिट में यूज़ करना चाहते हैं, 32 बिट जो भी हो वो 8 बिट में ही रखने। ठीक है, उसके बाद है बैकग्राउंड कलर। बैकग्राउंड कलर ये देखिए, जैसे मैंने ये पेज ओपन किया इसका बैकग्राउंड कलर हो गया वाइट, आप चाहे तो इसको कलर भी कर सकते हैं बढ़िया से। ठीक है, बैकग्राउंड कलर आप जैसे बैकग्राउंड कलर करेंगे उसके बाद आपको कहता है ऐड, तब आप जैसे इसमें क्लिक करेंगे देखिए ये बोला है नॉट बी कन्विजन जो भी हो, अरे कि इस तरह का आपका शो हो गया, जैसे मैंने पेपर साइज सिलेक्ट किया था वैसे पेपर ओपन हो गया। फिलहाल मैं इसको छोड़ दे रहा हूँ। उसके बाद है ऑप्शन है ब्राउज बीच ब्राउज मिनी लाइस ओपन एस, ओपन एस का आपको पता ही है जो ओपन करते हैं एस पे ओपन रिकॉर्ड। ठीक है, वो अलेक्सा हो गया, नहीं ऑफर है क्लोज एंड गो द ब्रिज, क्लोज एंड ग्लो ऑफ द ब्रिज इसका मतलब क्या होता है फ्रेंड्स, जैसे अब एक पेज के ऊपर एक के बाद जैसे ही करते जाएंगे काम करते जाएंगे उसको पकड़ लीजिए, आप कुछ गलती कर दिए तो उसको आप जैसे पीछे आएंगे। बाद आता है आपका सेव एज, सेव एज को पता ही है आप पेज बनाने के बाद कौन सा डायरेक्ट सेव करना चाहते हैं, उसका नाम देके आप JPG या PNG कुछ भी सिलेक्ट कर सकते हैं, JPG भी है और PNG भी है। ठीक है, आप कौन सा साइज के ऊपर सिलेक्ट करना चाहते हो आपके ऊपर डिपेंड करेगा फ्रेंड्स। ठीक है, अब बात आता है एक्सपोर्ट प्लेयर, ये सब फ्रेंड्स आप काम करते करते एक एक करके समझ जाएंगे, आपको दिखा देंगे जब हम लोग काम करेंगे तभी आपको समझ में आ जाएगा ठीक से। ठीक है, दूसरा है एडिट। एडिट में देखिए ना सारा ऑप्शन यहाँ पे अभी मौजूद नहीं है क्योंकि अभी हमने कुछ काम नहीं किया, नहीं तो कुछ ऑप्शन इनेबल रहता है, कोई बात नहीं उतना टेंशन नहीं लेंगे, धक्का नहीं है फ्रेंड्स, ये आराम से हो जाता है, आपको दिखा देंगे फ्रेंड्स काम करने का टाइम। और बस ऐसे लेयर, लेयर में देखिए कुछ चीज़ होता है सॉरी इमेज, इमेज जैसे आएंगे आप इमेज में देखिए फर्स्ट ऑडियो टोन एडजस्टमेंट एंड मोड और ऑटो कलर। ठीक है, आप ऑटोमेटिक कलर भी चूज सकते हैं, इमेज साइज भी चूज सकते हैं, ये देखिए इसका कलर साइज क्या है 24x24x40, आप इसको अगर 3x11 करके इसको आप ओके कर देंगे देखिए इसका साइज इतना घट गया। ठीक है, आप इस ऑप्शन का मदद से आप इमेज साइज को घटा बढ़ा सकते हैं जो भी हो, आप आपका हिसाब से डिपेंड करते हैं आप कौन सा साइज यूज़ करना चाहते हैं। ठीक है, उसके बाद है आपका डुप्लीकेट। डुप्लीकेट के बारे में पता ही है आपका, आप सेम जो पेज होता है उसका ही डुप्लीकेट आप बना सकते हैं। ठीक है, जैसे आप इसको करेंगे देखिए फिर से डुप्लीकेट पेज बन गया है, देखिए सेम पेज डुप्लीकेट बन गया, ये भी एक डंडा का तरह और ये भी एक डंडा का तरह दिख रहा है। ठीक है, उसके बाद है आपका और ख़ास नहीं है कुछ अभी फ़िलहाल, जैसे आप लोग काम करेंगे एक एक करके आप सब ऑप्शन का यूज़ आपको समझ में आ जाएगा। और एक बात कहना चाहूँगी फ्रेंड्स, आप कुछ भी लेयर बनाते देखिए ये लेयर यहाँ पे है। ठीक है, आप अगर इस लेयर में क्लिक करते तो देखिए यहाँ पे 3 लेयर बन चुका है। ठीक है, आप अगर इस लेयर के ऊपर क्लिक करके काम करेंगे तो उसी के ऊपर काम होगा। ठीक है, आप दूसरा लेयर में काम कर नहीं सकते क्योंकि आप फर्स्ट अगर काम करेंगे तो फर्स्ट आपको लेयर सिलेक्ट करना पड़ेगा। जैसे आप लेयर पकड़ लीजिए इसके ऊपर, जैसे देखिए ये लेयर, आप अगर
इस लेयर के ऊपर काम करेंगे, पकड़ लीजिए आप टेक्स्ट को ले लें, ठीक है। जैसे आप टेक्स्ट को लेंगे, आप कुछ भी लिख दिए टेक्स्ट को लेके, देखिए ये टेक्स्ट हो गया, ठीक है, टेक्स्ट हो गया। आप अगर बैकग्राउंड में जाके इसके ऊपर काम करके देखिए, काम नहीं कर रहा है। क्यों नहीं कर रहा है कि ये यहाँ पे टेक्स्ट के ऊपर सिलेक्ट नहीं है। जैसे आप टेक्स्ट के ऊपर सिलेक्ट करेंगे, देखिए जैसे आप टेक्स्ट के ऊपर सिलेक्ट करेंगे, देखिए टेक्स्ट के ऊपर काम करेगा, ठीक है। इसलिए फ्रेंड्स आपको ध्यान रखना है कि आप कोई भी काम करें, फर्स्ट इसको अपना लेयर से सिलेक्ट कर लें। जैसे इसमें सिलेक्ट करेंगे, देखिए ये बैकग्राउंड हो गया। आप अगर टेक्स्ट लिखना चाहते हैं तो जैसे टेक्स्ट में सिलेक्ट करेंगे, उसके बाद डबल क्लिक करेंगे, देखिए टेक्स्ट हो गया। आप इसको कम सिलेक्ट भी कर सकते हैं, मतलब अपना करेक्शन हिसाब से कर सकते हैं। आप अगर डिलीट करना चाहते हैं, सीधा जिन लेयर को डिलीट करना चाहते हो उसको ऊपर ले जाइए, और नीचे देखिए अगर डिलीट का ऑप्शन है। जैसे ही डिलीट ऑप्शन में क्लिक करेंगे, देखिए ये लेयर डिलीट हो गया। अब बात आती है ये सब लेयर जो दिखता है, पकड़ लीजिए आप अगर ओपन कर रहे हैं ये एडोब फोटोशॉप 7 का जो पेज, अगर आपको शो नहीं कर रहा है तो आपको घबराने की कोई दरकार नहीं है। आप सीधा चले जाइए विंडोज़ में, और विंडोज़ में जाने के बाद आपको बहुत सारे ऐसे ऑप्शन देखे, देखिए जिसमें टिक मार्क है यहाँ पे इनेबल है। आप अगर यहाँ से पकड़ लीजिए टूल को हटा दीजिए, या देखिए टूल हट गया, ठीक है। आप अगर फिर से दोबारा लेने लेके आना चाहते हैं, देखिए ये आ गया ऊपर से आपका, पकड़ लीजिए ये लेयर, लेयर को जैसे आप कर देंगे, देखिए बगल में जो यहाँ पर था वो आउट हो गया, ठीक है। तो फ्रेंड्स घबराने की कोई दरकार नहीं है। आप अगर आपका अगर शो नहीं कर रहा है तो इसमें जाइए विंडोज में, और बढ़िया से आप उसको इस्तेमाल करके मतलब ऑप्शन को इनेबल कर सकते हैं, ठीक है। यही था बेसिक, उसके बाद हम जैसे ही काम करेंगे एक एक करके आपको बताते जाएंगे, ठीक है। ये हुआ आपका बेसिक है, ये यहाँ पर रहता है, यहाँ पर टूल है, यहाँ पर लेयर काला रहे, ठीक है। उतना खास नहीं है फ्रेंड्स, जैसे जैसे काम करेंगे फास्ट में इतना जानेंगे तो आपको दिक्कत होगा, क्योंकि आप जानते नहीं इसके बारे में, ठीक है। आप जितना जानेंगे आस्ते आस्ते उतना ही आप एक्सपीरियंस आपका आते जाएगा, ठीक है। तो फ्रेंड्स उम्मीद करते हैं इस वीडियो आपके लिए बहुत हेल्पफुल है। इस वीडियो को ऐसे ही वीडियो देखने के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक शेयर कॉमेंट जरूर करें, और कॉमेंट में कॉमेंट कौन सा वीडियो आपको चाहिए, और एडोब फोटोशॉप में क्या प्रॉब्लम हो रहा है आपको हम कॉमेंट में जवाब देंगे।